अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू एशियन कुजीन वन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज की सब्जी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत आसान तरीके से बनेगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंगन 3 पाव है, पानी का एक बाउल रखना है, इस तरीके से छिलके उतार लेंगे। बैंगन की सब्जी को जब भी काटा जाता है तो काट के पानी में रखा जाता है ताकि उसका रंग खराब ना हो जाए। आलू की तरह बैंगन की सब्जी भी पानी के बगैर रखी जाए तो वो काली हो जाती है। अब नाइफ की हेल्प से इस तरीके से ग्रीन पार्ट को अलग कर लेंगे और जो ये इसके सेंटर में हार्ड पार्ट है, एक सख्त सी स्टिक होती है, इसको आपने पेस्ट कर देना है। के बारीक स्लाइसेस काट लें। इस तरीके से ये तमाम सब्जी कट के रेडी हो गई है और अब इसको कुक करते हैं। ऑयल 1 कप, प्याज 2 अदद, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें आलू ऐड करेंगे 2 से 3 अदद। जीरा 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, अब इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे। टमाटर 2 अदद ऐड करेंगे। और सब्जी को ऐड कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। और ये दम में ही रेडी होगी, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना इसमें। दस मिनट के बाद लिड को ओपन करना है और इसे एक दफा फिर से मिक्स करना है अच्छे से और मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। इसको अच्छे से हिलाएंगे, इस तरीके से ही स्पून से इसको हिलाना है। धनिया ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून, सब्ज मिर्च है 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई, और लास्ट में गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और फिर 1 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आसान सी आलू बैंगन की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। If you like it, then please hit the like button, share the video, and subscribe my channel. Oh, yeah! Stay blessed and Allah Hafiz. Since it's made with love.